आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव बाकीपुर जटनी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 8 किलोमीटर दूर है। 1300 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान मोहम्मद मेराज संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान मोहम्मद मेराज और सचिव राजीव कुमार के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। चार वर्षों में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के बाकीपुर जटनी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक कितना विकास करवाया गया है, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल जैसे कि बीत चुके हैं आपके कार्यकाल को, इस टाइम पीरियड में क्या क्या विकास कार्य आपने अपने गांव में करवाए? गांव में सीसी टाइल्स लगवाई हैं और कुछ खड़ंजे लगवाए हैं, सीसी रोड भी बनवाई हैं, कुछ नालियों का निर्माण कराया, शौचालय बने हैं, आवास ओडीएफ हो गई, ग्राम पंचायत ओडीएफ भी हो चुकी है हमारी, आवास मिले हैं। हाँ, आवास मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं और पीछे कुछ टाइम लोहिया आवास होगा तो लोहिया आवास भी मिले। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो वो आपके गांव में मतलब सभी लोगों को मिल रहा है इन सब का लाभ? किसान सम्मान निधि का लाभ तो लगभग 90% लोगों को मिल रहा है जी, और जो उज्ज्वला योजना है वो भी लगभग 95% मिल रहा है जी जी, और ये लाइट के जो कनेक्शन है सौभाग्य योजना के, ये भी यहाँ पर लगभग पेंशन वगैरह मिल रही है सबको? हाँ, पेंशन 60 साल वगैरह पेंशन मिल रही है, बाकी तो कोई पेंशन। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगवाई हैं आपने? हाँ, स्ट्रीट लाइट लगवाई है उन्होंने जी। यहाँ पर जैसे मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या कार्य आपने कर रहे हैं? मिशन कायाकल्प में हमने एक तो टंकी लगवाई है स्कूल में हाथ धोने के लिए, और समर सेविल वगैरह वगैरह, बाउंड्री वाल और रंगाई पुताई ये काम जी। सरकारी बिल्डिंग में आपके ग्राम पंचायत में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? नहीं, बारात घर नहीं, पंचायत घर है, आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, बाउंड्री वाल वगैरह हो रखी है? नहीं, बाउंड्री वाल नहीं है, यहाँ पर नदी का एरिया, वहाँ पर बाउंड्री वाल। अस्पताल? अस्पताल भी नहीं है यहाँ पर कोई। कितनी दूरी पर है अस्पताल यहाँ? अस्पताल यहाँ से, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी जी। मतलब मरीज को ज़्यादा परेशानी तो नहीं जैसे अभी लॉकडाउन रहा है, 17 दिन का पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन रहा है, इसमें काफी गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो आपके गांव में भी ऐसे कुछ परिवार होंगे जिन्हें कई तरह की परेशानियां सामने आई होंगी, खाने को लेकर के, काम को लेकर के, तो उसमें आपका क्या योगदान रहा? यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आई है, और जो यहाँ परेशानी कुछ आ रही थी लोगों को, तो यहाँ पर हेल्प करी है जी। राशन वगैरह, राशन वगैरह सबको टाइम से मिला है यहाँ पर जी, सरकार की तरफ से गल्ला बढ़ गया, टाइम टू टाइम बढ़ा। गांव में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? सही है, साफ सफाई सही है, सफाई कर्मचारी रेगुलर आते हैं, सफाई कर्मचारी रेगुलर आते हैं। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखनी चाहेंगे? सरकार से क्या मांग रखनी है, बस यही है, सफाई कर्मी एक और मिल जाए यहाँ पर, सफाई कर्मी कम है। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? यहाँ में 25-30 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवास की जरूरत है। क्या गांव में कच्चे रास्ते अभी भी हैं? नहीं, अब गांव में कच्चे रास्ते हैं, एक दो रास्ते हैं, बाकी नहीं है। कितना मीटर सीसी से पूरा पक्का हो जाए? लगभग 300 मीटर सीसी से सारा गांव पक्का हो जाए। जैसे कि इस कोरोना महामारी के दौरान में काफी लोग बाहर से आए हैं इधर उधर से, तो क्या आपके ग्राम पंचायत में भी बाहर से लोग आए हैं? जाँच वगैरह करा दी है लोग, कोई कोरोना मरीज तो यहाँ यहाँ पर कोई आसपास में यहाँ पर कोई मरीज नहीं। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय से भी ग्राम पंचायत पूरी तरह से ओडीएफ हो चुकी है, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, स्कूल में भी कार्यक्रम के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, इसके साथ ही लॉकडाउन में यहाँ गरीब परिवारों की भी काफी हद तक मदद की गई है। लेकिन इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारात घर जो कि यहाँ निर्मित नहीं है, अस्पताल भी यहाँ काफी किलोमीटर की दूरी पर है, इसके अलावा यहाँ पर लगभग 25-30 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद शान्याल। मोहम्मद शान्याल, कहाँ के निवासी हो? ग्राम बाकीपुर जटनी।
यहाँ पे 4.5 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास सही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। किस तरह से? जैसे जैसा मनरेगा है, जैसा आवास है, शौचालय है, बहुत सही। ग्राम प्रधान जी कार्यकाल से खुश हो? हाँ, बहुत।